नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। आखिरकार उन स्कूलों और अभिभावकों का इंतजार खत्म हुआ जो लंबे समय से सबके दिलो दिमाग में चल रहा था। कोरोना वायरस को लेकर पिछले साल मार्च में बंद हुए स्कूलों को अब फिर से खोलने की बात कही जा रही थी, जिसको लेकर सरकार की तरफ से बैठकों का दौर जारी रहा। आखिरकार वो बैठकों का दौर समाप्त हुआ और सरकार की तरफ से वो फैसला आ गया जिसमें 4 जनवरी से स्कूलों को खोलने की बात कही जाने लगी। आपको बता दें कि बिहार में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान ये सब खोले जाने की बात कही जा रही है। 4 जनवरी से बिहार में स्कूलों को खोले जाने की बात कही गई। तो आप इसके बाद हम विस्तार से समझते हैं कि आखिर वो कौन कौन चीज़ें हैं और किन नियमों के साथ स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्कूलों की। तो 9वीं से लेकर 12वीं तक की शुरुआती चरण में स्कूल खोले जाएंगे। उसके बाद अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में जो लास्ट ईयर के क्लासे हैं उसको खोले जाने की बात कही गई है। उसके बाद एक समीक्षा बैठक होगी, यानी कि एक सप्ताह तक स्कूल चलेगा। उसके बाद फिर समीक्षा बैठक होगी। उस समीक्षा बैठक के बाद 18 जनवरी के बाद से अगर सरकार को ये लगता है, यानी कि ये जो कमेटी होगी उसको ये लगेगा कि कोरोना वायरस को लेकर ज़्यादा समस्याएं नहीं है, तो फिर वो 18 जनवरी के बाद से क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को स्कूलों में आने की अनुमति दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि वो किन किन नियमों के साथ स्कूलों को खोला जाएगा। तो शुरुआती जो नियम है उसके तहत कोरोना गाइडलाइन को पालन करना होगा, यानी कि बच्चों को स्कूल में मास्क पहनना होगा। एक बार में आधे बच्चे स्कूल आएंगे और उसके बाद अगले दिन वो आधे बच्चे स्कूल आएंगे। तो इस तरह से स्कूल खोलने की बात कही गई। अगर कोचिंग संस्थानों की भी बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि कोचिंग संस्थानों के साथ उनके हॉस्टल हैं, तो हॉस्टल और कोचिंग संस्थानों दोनों को कोविड का नियमों का पालन करना होगा। यानी कि कोचिंग संस्थानों को और हॉस्टलों को सबसे पहले सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद बच्चों को मास्क पहनने की बात कही जाएगी। कहा तो ये भी जा रहा था कि एक बेंच पर 2 बच्चे बैठ सकते हैं, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा सके। तो ऐसे ये सारे नियम लागू किए गए हैं बिहार सरकार की तरफ से। वही बच्चों की सुविधाओं और शिक्षकों की सुविधाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने कहा है कि हम बच्चों को मास्क देंगे। और वहीं स्कूल प्रबंधन से भी ये कहा गया है कि आप अपने शिक्षकों और बच्चों को 2-2 मास्क दें, ताकि वो अल्टरनेट में मास्क पहनकर आ सकें। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि उनको हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करवाएं। इन सब चीजों के अलावा सरकार ने जो सबसे अहम बात यह कही है कि एक सप्ताह के अंदर जब तक स्कूल चलेंगे, यानी कि शुरुआती जो एक सप्ताह चलेगा स्कूल, उसके बाद अगर 1 से लेकर 8 तक के बच्चों का स्कूल खोले जाते हैं तो उनके समीक्षा बैठक होगी। उन समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा क्या क्या परेशानियां आई हैं, उन सारी परेशानियों को दूर करने की बात कही गई है। इन सब के बीच में जो सबसे आखिरी में जो सरकार की तरफ से जो बात कही गई वो ये कहा गया कि अगर कोई भी स्कूल, कोचिंग संस्थान अगर कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो बिहार सरकार ये सख्त रूप से कह रही है कि आप कोविड-19 का पालन करें। कोरोना अगर नहीं बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है, तब हम स्कूलों को पूरी तरह से फ्री हैंड में खोलने की बात कही जा रही है। फिलहाल सरकार की तरफ से 4 जनवरी से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोलने की बात कही गई है। तो बिहार से जुड़ी और भी ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।